जय हिंद दोस्तों। ताकि दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि लिखावट कैसे सुधारें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ या ट्वेल्थ आप कोई भी स्टूडेंट हैं लेकिन आपका लिखावट जो है ना बिल्कुल ख़राब है, आपका लिखावट हैंड राइटिंग आपका सुंदर नहीं है, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लिखावट को कैसे सुधारा जाता है। और दोस्तों आज का ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाला है और केवल आप लोग 7 दिन में आप अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हैंड राइटिंग को सुंदर बना सकते हैं, गोल गोल लिख सकते हैं एक अच्छे लिखावट की तरह। ठीक है दोस्तों, आप अगर हिंदी में चाहते हैं कि लिखावट को कैसे सुधारें तो आपको हिंदी में भी बताएंगे। अगर आपका हैंडराइटिंग इंग्लिश में ख़राब है तो आप अपने हैंडराइटिंग को इंग्लिश में कैसे सुधारेंगे, इस चीज़ के बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है तो दोस्तों केवल आज आपको केवल 5 तरीका, ये 5 तरीका आप समझ लेते हैं तो आपका हैंडराइटिंग इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिखावट कैसे सुधारें, और लिखावट हिंदी का हो या इंग्लिश का हो दोनों के बारे में आज हम पूरे क्लियर करके बताएंगे। ठीक है और आज के बाद से आप लोग का हैंड राइटिंग इतना सुंदर हो जाएगा कि कोई भी देखकर जरूर है कि आपको एक बार बोलेगा कि भाई आपका राइटिंग बहुत सुंदर है। ठीक है तो ये जो है ना 5 तरीका, ये कौन कौन है 5 तरीका, इसके बारे में आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। और ये देखिए 7 दिनों में आपको अंतर दिखेगा कि आपका अभी का हैंडराइटिंग यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम का हैंडराइटिंग और उसके बाद आने वाले समय का हैंडराइटिंग जो है वो कितना अंतर हो जाएगा। ठीक है तो आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हैं आप अपने हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। ठीक है तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सुंदर लिखावट के फायदे क्या क्या है। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। रूल नंबर फर्स्ट कहता है हमारा कि सुंदर लिखावट के फायदे क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुंदर लिखावट लिखते हैं तो आपका फायदा क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है तो सुंदर लिखावट के देखिए फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा हमारा है यहाँ पर लिखा गया है, पहला फायदा वो है हमारा कि पढ़ने के प्रवाह में योगदान देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लिखावट सुंदर है, आपका हैंडराइटिंग काफ़ी सुंदर है तो किसी को पढ़ने में वो बहुत ही मदद करेगा। ठीक है और वो आराम से पढ़ लेंगे, पहली बात। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अच्छी लिखावट से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना सुंदर लिखेंगे, जितना अच्छा हैंडराइटिंग रहेगा आपका, उतना ही जो है जो देखेगा कॉपी आपका उसके अंदर में हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग करेगा और वो सोचेगा कि सही में स्टूडेंट बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। ठीक है ये फायदा हो गया। तीसरा है दोस्तों कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिलता है। हाँ जी दोस्तों, ये बात सही है, आपका अगर हैंडराइटिंग अगर सुंदर है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको वहाँ पर ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है उसके बाद चौथा हमारा है कि जितना ज़्यादा सुंदर लिखावट होगा उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। सही बात है दोस्तों, आप जितना देखिए, आप कभी भी ये आके होंगे अपने अगल बगल में कोई दोस्त होंगे जो बोर्ड का पेपर देकर आए होंगे, चाहे वो टेंथ का हो या ट्वेल्थ का हो। ठीक है टेंथ या ट्वेल्थ का स्टूडेंट जो होंगे वो आपको बोले होंगे कि देखो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर रहना ज़रूरी है, क्योंकि जितना सुंदर हैंडराइटिंग रहेगा आपको उतना ही ज़्यादा नंबर कौन देता है, एग्जामिनर देता है। तो ये पांचवा देखिए लिखा गया है कि एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर देगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो खुश क्यों होगा, तो इसके पीछे रीजन क्या है समझिए। देखिए आपके सामने हम 2 पेपर देते हैं इस तरह से, एक पेपर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है गलत करके इधर उधर, मतलब उतना सुंदर नहीं है, और आपका जो है ये लिखावट बहुत सुंदर है, तो आप कौन सा कॉपी चेक करेंगे सबसे पहले, तो जिसका लिखावट सुंदर होगा। तो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम हॉल में कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो सुंदर रहता है कॉपी उसको ज़्यादा नंबर भी देते हैं, क्योंकि कारण ये है कि उनको चेक करने में परेशानी नहीं होता है। ठीक है कॉपी चेक करने में परेशानी नहीं होता है और वो जल्दबाजी में कॉपी चेक कर लेते हैं। अब देखिए जल्दबाजी में चेक करने से एग्जामिनर को फायदा है, एग्जामिनर को फायदा ये है कि प्रत्येक कॉपी जो चेक करते हैं प्रत्येक कॉपी पर उनको रुपए मिलता है, चाहे वो 10 रुपये मिले या 15 रुपये मिले, एक कॉपी पर उनको इस तरह से रुपए मिलता है। इसीलिए जिसका जो कॉपी जितना सुंदर रहता है उसको पहले चेक कर देते हैं और उनको नंबर भी ज़्यादा देते हैं, तो ये है आपका फायदा। ठीक है चलिए अब छठा इसका फायदा क्या है समझिएगा दोस्तों। देखिए छठा यहाँ पर है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि देखिए एक वैज्ञानिक का ये मानना है कि साफ सुथरा
तरीके से लिखने से याददाश्त भी तेज होती है। और पता है अगर आप साफ सुथरे लिखते हैं, हैंडराइटिंग में लिखते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य बेहतर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक का मानना है कि आप जो है साफ सुथरे तरीके से लिखने से याददाश्त भी तेज होता है। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि साफ सुथरे हैंडराइटिंग में अगर लिखते रहेंगे तो आपका जो है भविष्य बेहतर बन सकता है। ये एक किसका मानना है, ये एक वैज्ञानिक का मानना है, ये हम नहीं कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट का मानना है ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। और देखिए अच्छे लेखन और हैंडराइटिंग का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। देखिए दोस्तों, जितना अच्छा आप हैंडराइटिंग लिखेंगे, आपका लिखावट जितना सुंदर रहेगा, वो सामने वाले को जो है ना, वो उनके मन को मोह लेगा कि वाह क्या हैंडराइटिंग है, कितना सुंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो फायदा हो गया किसका, हैंडराइटिंग सुंदर होने का, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि लिखावट को कैसे सुधारना है, हैंडराइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं हम, ठीक है। तो आइए उसको देख लीजिए, फिर देखिए आपका हैंडराइटिंग कैसे सुधरता है। देखिए दोस्तों, रूल नंबर सेकंड में यहां पर दिया गया है कि लिखावट कैसे सुधारे। जी हाँ दोस्तों, आइए एक एक चीज को आप ध्यान से, बस यही चीज आपको पढ़ना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए ये चीज आप सही ढंग से रेगुलर आप एक सप्ताह तक ये फॉलो करते हैं तो आपका हैंडराइटिंग, मेरा 100% गारंटी है कि जरूर कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्या है कि सबसे पहले आप सही ढंग से बैठें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोकर भी लिखते हैं, कभी कॉपी इधर रहता है तो इधर से लिखता है, तो आप क्या करें, एक टूल पर बैठें और सीधा बैठें, ठीक है, और वहां पर लिखें, ठीक ना। दूसरा है कि पेन पर जोर देकर ना लिखें, पेन पर ज्यादा दबाव नहीं देना इस तरह से। इससे क्या होगा कि आप ऊपर लिख रहे हैं तो ये लिखावट आपका जो है उस साइड, यानी कि पेपर के उस साइड में आपको दिखाई देगा, जिससे आपका हैंडराइटिंग उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो आपको पेन को हल्का पकड़ना है, और देखिए इससे क्या होगा कि आपका हाथ भी दर्द नहीं करेगा, ठीक है। और ज्यादा अगर जोर देते हैं तो आपका हाथ दर्द करने लगता है, ठीक ना। तो ये फायदा है, तो ज्यादा जोर नहीं देकर लिखना है पेन पर, ठीक ना। तीसरा है कि लिखने की स्पीड को कम करें। अगर आप ज़्यादा तेज लिखते हैं तो पहले तो आप स्पीड को, अपने चाल को कम कर लें, ठीक है। जितना आप अभी देखिए स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे लिखना है, अगर लिखावट सही हो जाता है तो फिर स्पीड में आप लिख सकते हैं। चौथा है कि केवल पंजा नहीं, पूरा बाजू को मूव करना है। अब देखिए ये पंजा है तो आप केवल पंजा को नहीं, पूरे बाजू को आप लिख रहे हैं तो इसको पूरे मूव करना है इस तरह से, ये पूरे कलाई को मूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा रूल, ठीक है। आइए अब पाँचवा क्या है समझिए। देखिए दोस्तों, पांचवा यहां पर दिया गया है कि दो शब्दों के बीच गैप समान रखें, यानी कि बराबर गैप रखें। कहने का मतलब जो देखिए हम यहां पर लिखे हुए हैं तो दो शब्दों के बीच देखिए गैप बराबर बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि लिखावट देखने में सुंदर लगता है। ये बीच में जो गैप देख रहे हैं, ये सभी जगह का गैप बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां पर छोटा कर दिए यहां पर बड़ा गैप कर दिए, तो इस तरह से लिखावट अच्छा नहीं लगेगा। छठा है कि लिखते समय पेज की सफाई पर विशेष ध्यान दें। देखिए पेज जितना साफ रहेगा ना, लिखावट आपका उतना ही जबरदस्त लगेगा देखने में और सुंदर भी लगेगा। तो पेज की जो है सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। सातवां है कि शब्दों की बनावट पर ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो अब देखिए कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो राम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एकदम बराबर बराबर लिखते होंगे राम, तो दोनों में अंतर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि शब्दों के बनावट पर, यानी कि बनावट का मतलब है कि गोल गोल लिखिए एकदम साफ सुथरा, ठीक है। उसके बाद आठवां है कि गोल गोल लिखने का प्रयास करें, वही बात हम यहाँ पर बताए हैं। और नौवा रूल है हमारा कि पुराना पेन से जरूर लिखें। देखिए नया पेन से जितना मज़ा नहीं आता है, उतना मज़ा आता है पुराना पेन से लिखने में। पुराना पेन से आप एक बार लिख कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये आपका जो है 9 तरीका था, ठीक है। और ये 9 तरीका आप केवल रेगुलर जो है एक सप्ताह फॉलो कीजिए, ठीक है, फिर देखिए आपका हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव होता है। उसके बाद देखिए हमारा है तीसरा रूल, ध्यान दीजिएगा। तीसरा रूल हमारा ये है, यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखें। देखिए अभ्यास आपको करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, लिखते रहना है। आप दिन में कम से कम 3 से 4 कॉपी आप जरूर लिखें, 3 से 4 पेज आपको लिखना है, ठीक है, 3 से 4 पेज आप जरूर लिखें। ये केवल आप 7 दिन तक कीजिए, 7 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा है कि अभ्यास करें और खुद पर विश्वास रखें। देखिए खुद पर जितना विश्वास रखिएगा कि नहीं हमको हैंडराइटिंग में अच्छा करना है, तो आप अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 7 दिन के अंदर आपको मेरा 100% गारंटी है कि आपका हैंडराइटिंग जो है लिखावट जरूर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा और सुंदर लगेगा देखने में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी दोस्तों को
मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, लिखावट सुंदर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके अंदर में कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप ग्रसित हैं, तो आप हमें कॉमेंट करें, हम आपके साथ हैं, सारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगा, सभी का हम हल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।